नमस्कार दोस्तों, कारपोंट हिंदी के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है गिरीश और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कार किस साल में मैन्युफैक्चर हुई है, किस महीने में मैन्युफैक्चर हुई है। दोस्तों हमें ये चीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपनी कार खरीदने जाते हैं डीलर के पास, और डीलर कभी कभी क्या होता है पुराना स्टॉक की कार हमको सेल कर देता है। मान लीजिए आप दिसंबर महीने में जब कार खरीदते हो तो काफ़ी ऑफर मिलते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में ज़्यादातर लोग कार नहीं खरीदते हैं, अगले जनवरी का वेट करते हैं, अगले साल की जनवरी का वेट करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी डीलर क्या करता है, चालाकी से हमें दिसंबर या नवंबर में मैन्युफैक्चर हुई कार जनवरी में या फरवरी में सेल कर देता, यानी पुराना स्टॉक। तो उससे डीलर को फ़ायदा होता है, डीलर को फ़ायदा ये होता है जनवरी में नई प्राइस लागू हो जाती है, और दूसरा कस्टमर को घाटा ये होता है कि उसको पुराने साल की मैन्युफैक्चर वाली गाड़ी मिलती है, और एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कार खरीदने से पहले दोस्तों जरूरी है डीलर से आप अपनी कार का VIN वैन नंबर यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर लें, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कहां पर स्थित होता है और हम कैसे पहचानेंगे, और एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा दो तीन दोस्तों जिसमें आप आसानी से पहचान जाएंगे कि हमारी कार कब बनी है, कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब निकली है। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कार से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे द्वारा अपलोड किया वीडियो की जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बोनट मैंने खोल रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ मारुति की कार के लिए बता रहा हूं दोस्तों मैं। यहाँ पर देखिए इंजन नंबर और यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी कार का इंजन नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर बॉडी पर ये नंबर स्टैम्प है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है कि ये वाला कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कौन सा महीने को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको इस झंझट में ना डालते हुए, क्योंकि इंटरनेट पर कई वीडियो इस तरह के डले हुए हैं जिससे आप इसके द्वारा आप अपनी कार का मंथ और मैन्युफैक्चर पता कर सकते हैं, लेकिन वे वीडियो कुछ कुछ गलत भी है। तो मैं आप एक सिंपल दो तीन चीज बताऊंगा आपको जिसमें आपको कार की डेट भी तक पता चल जाएगी, मैन्युफैक्चर डेट, महीना और साल ही पता चल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों मैं ऑल्टो K10 की बात करता हूं। सबसे पहले आपको इस तरफ देखिए दोस्तों, ये शॉकर है, इसके बगल में यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, देखिए यहां पर लिखा है 1/1/2017B, यानी पहली तारीख 10 तारीख पहला महीना और 2017, यानी कि ये गाड़ी 10 तारीख को पहला महीना यानी जनवरी और 2017 में बनकर निकली है, ठीक है। दूसरा चीज और बता देता हूँ कहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपके जो टायर होता है उसको मैंने घुमा रखा है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर सोकर पे भी दिया रहता है, देखिए इसमें लिखा 7 जनवरी 2017, ठीक है, यानी कि ये गाड़ी के जो जब निकली है तो 7 जनवरी 2017 को ये से 10 जनवरी 2017 तक बनकर तैयार होके खड़ी हुई थी, यानी कि ये जनवरी की मैन्युफैक्चर गाड़ी है और 2017 में बनी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे पहचाना जा सकता है। तो ये कुछ ट्रिक थी दोस्तों जिससे आप पहचान सकें कि आपकी गाड़ी कब बन के निकली है कंपनी से, ताकि आपको ये पता चल जाए गाड़ी खरीदने से पहले कि गाड़ी आपकी कब बनी है और डीलर आपके साथ धोखा ना कर पाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।